हार के जीतने वाले को यहाँ पे आरसीबी कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आईपीएल 2024 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। यहाँ पे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग को हरा के बहुत सारे मैथमेटिक कैलकुलेटर्स लोग कहते हैं यूज करना पड़ेगा। भाई कैलकुलेटर की सेल बढ़ गई है ना, ये सारे हेटर के मुंह पे यहाँ पे तमाचा है, क्योंकि अगर आप आरसीबी के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आपको पता होगा 218 रन का यहाँ पे टारगेट दिया आरसीबी ने, और आपको पता उसको डिफेंड करना था और उसको क्या खूब डिफेंड किया। और पहले ही ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने यहाँ पे विकेट दिखा रहा है ऋतुराज गायकवाड का, शुरू से हम बात करेंगे। लेकिन आपको एक चीज पता होगा, एक ऐसा आदमी नहीं था जो चाह रहा था कि यहाँ पे आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई, सब थाला फोर रीजन चेन्नई सब कर रहे थे, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। लेकिन आरसीबी ने जो किया ना वो कोई अजूबा से कम नहीं, क्योंकि आपको पता हो लगातार 6 मुकाबले जीतना और वो भी 18 रन के मार्जिन भी था, लेकिन हमने जो मुकाबला जीता है ना उसके दम पे हम कह सकते हैं कि ट्रॉफी के हकदार असली हम हैं, क्योंकि आपको पता हो 6 मुकाबला लगातार जीतना कोई हलवा जैसा नहीं। तो चलो दोस्तों शुरू से शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर आरसीबी के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कुछ देर अगर आप इस वीडियो में देख के जाएंगे ना आपको कह रहा हूं चरम सुख जरूर मिलेगा। सबसे पहले शुरुआती से शुरुआत करें तो आपको बताऊंगा यहां पे चेन्नई टॉस जीती और यहां पे पहले बॉलिंग करने का फैसला लेती है, और फाफ डुप्लेसी भी यही कहते हैं कि हमने ये चीज पहले भी किया डिफेंड, जी हां। और विराट कोहली आते हैं और फाफ डुप्लेसी आते हैं, भाई साहब एक पल के लिए ऐसा लगा फाफ डुप्लेसी भाई ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि भाई साहब जो विराट कोहली ने जो इनिंग खेली है ना कमाल की इनिंग खेली है, क्योंकि जब टर्न हो रहा था पिच ना टर्निंग पिच पे खेल रहे थे भाई साहब, सेंटर की गेंद एक एक हाथ यहां पे स्पिन हो रही थी वहां पे हमें लगा कि काम खरबरा जाएगा। लेकिन भाई साहब जितने बैटर थे वो चाहे रजत पाटीदार हो, कैमरून ग्रीन हो, ग्लेन मैक्सवेल ने भी काफ़ी अच्छी पारी खेली, और साथ में दिनेश कार्तिक, जितने बैटर्स थे ना आरसीबी ने अपना 100% दिया और 218 का टारगेट सेट करके दे दिया कि हाँ भाई आओ हम डिफेंड करेंगे और शुरुआत हमारा बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारे आपको पता होगा कैच जो यहाँ पे मोहम्मद सिराज ने छोड़ा था शिवम दुबे का, सुखमनोज बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, और करते 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 आपको पता होगा शायद 24 रन से हम लोग यहाँ पे, जी हाँ 24 रन से मुकाबला जीत गए हैं और हम पहुंच गए हैं फाइनल्स में, मतलब फाइनल में जा सकते हैं, हम यहाँ पे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप आरसीबी के फैन हो मुझे पता है आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और सारे हेटर के मुंह पे तमाचा है यहाँ पे, क्योंकि सब कहते थे कि आरसीबी नहीं जा सकती नहीं जा सकती, सब चेन्नई लगे थे उनके मुंह पे तमाचा। तो आप लोग अपनी राय दो शब्द जरूर कहेंगे यहाँ पे आरसीबी के जीत के लिए। थैंक यू सो मच।